नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए अति विशेष है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष आज मैं लेकर आया हूं। कन्या राशि का फरवरी 2022 का मासिक राशिफल मंथली प्रिडिक्शन कैसा रहेगा, कन्या राशि का फरवरी 2022 कैसा रहेगा आपके लिए, ग्रहों का गोचर, ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या बदलाव, क्या परिवर्तन लेकर आएगा, सभी विषय पर आज मैं आपको बताऊंगा। क्या आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, क्या ग्रहों की पोजीशन आपको फल देगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी हमारे जीवन में एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस रहता है, कभी हमारी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, सुख दुख यस अपयस ये सब कुछ हमारे साथ चलता रहता है। ग्रह गोचर वाइज सारे ग्रह अपनी गति के अनुसार भ्रमण करते हैं और सभी मनुष्य को उसके फल देते हैं। फरवरी के महीने में सूर्यदेव 13 फरवरी को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे और 27 फरवरी को शुक्र और मंगल धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि कन्या राशि के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव सभी कुछ जानेंगे सभी विषय पर, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या अचूक उपाय आपको करना चाहिए। दोस्तों, फरवरी के महीने में आपकी राशि से ग्रहों की पोजीशन कुछ इस प्रकार से रहेगी। थर्ड हाउस में रहेंगे आपके केतु, नाइन्थ हाउस में रहेंगे आपके राहु, फोर्थ हाउस में रहेंगे शुक्र के साथ में मंगल, आपके फिफ्थ हाउस में रहेंगे शनि बुध और सूर्य, और आपके सिक्स्थ हाउस में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। अब ये आपको क्या प्रभाव दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आपका स्वास्थ्य। फर्स्ट हाउस के मालिक बनते हैं बुध ग्रह, और बुध ग्रह जाकर बैठे हैं फिफ्थ हाउस में त्रिकोण में सूर्य और शनि के साथ में। फर्स्ट हाउस के जो मालिक हैं बुध ग्रह वो बलवान है क्योंकि त्रिकोण में बैठे हैं और त्रिकोण पंचम भाव अच्छा माना जाता है। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर पंचम भाव में जाकर बैठे हुए हैं तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। अगर पहले कोई स्वास्थ्य में परेशानी चल रही थी तो फरवरी के महीने में जाकर वो ठीक हो जाएगी क्योंकि आपका राशि के मालिक बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं। अगर आपकी शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव होता है पढ़ाई का। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट फॉर एजुकेशन, पंचम भाव में शनि बैठे हैं अपने घर के स्वराशि के साथ में, वहां पे सूर्य है। 13 फरवरी के बाद अगर आपका कोई एग्जाम है तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 13 फरवरी से पहले थोड़ा बहुत आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन 13 फरवरी के बाद आपका एग्जाम और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी देखी चलेगी। वहीं दोस्तों, अगर आपकी बात करें लव रिलेशन की, फिफ्थ हाउस ही होता है लव रिलेशन का, पंचम भाव में बैठे हैं बुध और शनि। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, लव रिलेशन फरवरी के महीने बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि राशि के मालिक बुध ग्रह और पंचम के मालिक शनि दोनों साथ में, तो लव रिलेशन आपस में दोनों की ट्यूनिंग्स, अंडरस्टैंडिंग्स, दोनों की बाउंडिंग्स बहुत अच्छी देखी जाएगी फरवरी के महीने, और आपस में दोनों का प्यार भी बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें फरवरी के महीने में, तो सेवंथ हाउस के मालिक बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, और बृहस्पति जाकर बैठे छठे घर में। छठा घर होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, तो सेवंथ हाउस के मालिक देव गुरु छठे घर में अच्छे नहीं बैठे हुए। आपको अपने मैरिड लाइफ पे ध्यान रखना है फरवरी के महीने में क्योंकि गुरु देव छठे घर में अच्छे नहीं है, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर जो है वो आपके साथ में शत्रुता रख सकते हैं, यानी कि बिना वजह की फाइट हो सकती है, और आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि छठा घर होता है रोग का, और सप्तमेश यानी कि सेवंथ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में जाकर बैठे हुए हैं तो कोई ना कोई स्वास्थ्य में परेशानी दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य में परेशानी या फिर वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, वहां पर आपको ध्यान रखकर चलना होगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय आपका भाग्य, आपका करियर, बिजनेस और फाइनेंस कैसा रहेगा। भाग्य के मालिक बनते हैं आपके शुक्र देव, और कर्म क्षेत्र के मालिक बनते हैं बुध ग्रह। शुक्र आपके फोर्थ हाउस में है 27 फरवरी तक। सबसे पहले तो शुक्र देव जब तक फोर्थ हाउस में है भाग्य आपका साथ देगा, यानी कि भाग्य में तरक्की होगी,
कोई भी अगर आप अनएम्प्लॉयड है कुछ कन्या राशि वाले और अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सर्चिंग में है नौकरी, तो जरूर आपको नौकरी मिलने की संभावना अच्छी है क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है। व्यापार करते हैं अगर कन्या राशि वाले तो अच्छा रहेगा, लेकिन सेवंथ हाउस के मालिक गुरु छठे में है तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस व्यापार में हो सकता है। पार्टनरशिप पे बहुत ज्यादा विश्वास ना करें, डेली इनकम में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। अगर आपकी डेली इनकम का काम है तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है फरवरी में। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ा काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो फरवरी का महीना अच्छा है, कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा है। कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी आपको, प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में है, टेक्निकल फील्ड में है, काउंसलिंग फील्ड में है, अकाउंट्स फील्ड में है, बुध आपके त्रिकोण में है, ये सारी फील्ड आपके लिए अच्छी रहेगी और इन फील्ड में नौकरी मिलने की संभावनाएं भी आपको अच्छी है। कोई अच्छे कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में नेम और फेम हो सकता है। पॉलिटिक्स जो कर रहे थे आपके साथ में करियर में, वो कहीं ना कहीं पीछे होते हुए देखे जाएंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर, आपकी प्राइवेट नौकरी को लेकर ये फरवरी का महीना काफी अच्छा रहेगा। भाग्य में भी वृद्धि देखी जाएगी, पिता का सपोर्ट भी अच्छा देखा जाएगा फरवरी के महीने। क्या उपाय आपको करने चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, आपको सूर्य देव को अर्घ देना है सुबह सुबह उगते हुए सूरज को, और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो सूर्य देव का बीज मंत्र आप जरूर करें। और इसके साथ दोस्तों, बुध ग्रह का बीज मंत्र भी आपको पढ़ना है रोजाना 108 बार, जो कि आपको नेट से मिल जाएगा। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।